हर महीने के शुक्रवार को बड़े पर्दे पर एक दो या उससे ज्यादा फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं। दर्शकों के पास एंटरटेनमेंट के साथ साथ ऑप्शंस का भी काफी इंतजाम होता है, लेकिन हर फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ की रिलीजिंग डेट से लेकर पोस्टर तक शेयर हो जाते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूरी फिल्म बना लेते हैं, लेकिन एंड टाइम पर किसी ना किसी पंगे के वजह से ये फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होती होती रह जाती हैं, जिसकी लिस्ट तो काफी लंबी है। लेकिन इस वीडियो में हम उन पांच पंगेबाज फिल्मों की बात करेंगे जो बनी तो लेकिन सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो सकी। 1977 की फिल्म किस्सा कुर्सी का, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे विवादास्पद फिल्म मानी जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार के डगमगाने से लेकर इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों पर ये फिल्म आधारित थी, जिसमें शबाना आजमी ने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई थी। फिल्म के विवादित होने के वजह से सन 1975 पर इसके रिलीज पर रोक लगा दी गई, साथ ही इसके प्रिंट तक सरकार ने जब्त करके जला दिए, ताकि फिल्म के जरिए राजनीति का काला चेहरा दर्शकों तक ना पहुंच पाए। 1984 की फिल्म खबरदार बनते समय ही अधूरी छोड़ दी गई, जिसके पीछे की वजह इच्छा मृत्यु यानी के इथेंशिया की कहानी थी, जो फिल्मी जगत की पहली फिल्म हो सकती थी, जिसमें डॉक्टर का किरदार निभाया था अमिताभ बच्चन ने और मरीज बने थे कमल हासन। ये फिल्म आधे पर ही रोक दी गई थी, क्योंकि मेकर्स को डर था कि इस फिल्म की वजह से काफी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं, इसीलिए फिल्म को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि मेकर्स के इस डिसीजन के बाद इसी मुद्दे पर साल 2010 में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या की गुजारिश फिल्म आई, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। 1997 की लेडीज ओनली फिल्म हॉलीवुड की 9 to 5 की हिंदी रीमेक फिल्म थी, जिसमें रणधीर कपूर एक ठरकी बॉस की भूमिका अदा करते हैं। वहीं सीमा विश्वास, शिल्पा शिरोडकर और कमल हासन जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन ये बड़े पर्दे पर रिलीज ना हो सकी, जिसके पीछे की वजह फाइनेंस की प्रॉब्लम बताई जाती है। तो किसी का कहना है कि रणधीर का किरदार, जिसकी नजर हमेशा लेडीज पर रहती है, और इसी वजह से फिल्म की शूटिंग तो पूरी हुई, लेकिन उस समय इस तरह की फिल्में पर्दे पर नहीं नजर आती थी, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स ने इसकी रिलीजिंग पर रोक लगा दी। सन 1998 में बनी फिल्म जमानत, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ करिश्मा कपूर और अरशद वारसी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन इस फिल्म के रिलीज ना होने की वजह कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज नहीं, बल्कि फिल्म की पूरी होते ही रिलीजिंग के नजदीकी समय जमानत के डायरेक्टर एस रामानाथन चल बसे। हालांकि डायरेक्टर रामानाथन के हाथ से बनी आखिरी फिल्म को उनके बेटे ने रिलीज करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। साल 2011 की फिल्म केमिस्ट्री, जिसे डायरेक्ट किया था साई कबीर ने, साथ ही इस फिल्म में सोहा अली खान और श्रेयस तलपड़े लीड रोल के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन कई अड़चनों की वजह से फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो सकी, जिसके पीछे की वजह रिवील तो नहीं की गई, बस कहा गया कि निजी कारणों के चलते फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता। लाखों करोड़ों पैसा खर्च कर फिल्म को तैयार कर लिया जाता है, लेकिन कभी निजी कारणों के चलते, कभी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरीज या कंटेंट की वजह से रिलीजिंग पर रोक लगा दी जाती है, और पैसा पानी की तरह बह जाता है और नुकसान हो जाता है। तो आपकी क्या राय है इन पूरी फिल्मों के ना रिलीजिंग को लेकर, बताएं हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके हिंद नाउ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।